Assalamualaikum class, Matric Hyderabad board. I hope you all are fine and wonderful. Today we are having the lesson A Nation's Strength, and this is 9th lesson, and this is for Hyderabad Matric Hyderabad. This is my number. मैं जब भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इससे इस लेक्चर के लास्ट में भी आपको होमवर्क में दे चुका हूँ, वो आप पढ़ेंगे तो या मुझे व्हाट्सएप करें या मुझे ईमेल करें. प्लीज बी सीरियस एंड वी आर हियर जस्ट फॉर यू एज यू कैन कवर योर सिलेबस. और घबराना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि जब हम लॉकडाउन के बाद इदारे स्टार्ट होंगे तो इंशाल्लाह हम अपना सिलेबस भी अच्छे से करेंगे और फर्दर इंग्लिश भी सीखेंगे. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. नाउ हियर यू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड होमवर्क असाइनमेंट. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द रेफरेंस. रेफरेंस इमर्सन फॉर द राइटर ऑफ दिस पोएम. ओके, हिज फिलोसॉफी इज एवरलास्टिंग बिकॉज इट अराउज फ्रॉम अ डिजायर टू मेक ऑल थिंग्स न्यू टू सीज लाइफ फ्रेशली. ठीक है, ये रेल्फ वेल्डो एमर्सन एक स्पिरिचुअल पर्सन है, अमेरिका का पोएट है, बड़ा वंडरफुल पोएट है ये. तो इसने ये लिखा है नए तरीके से जिंदगी गुजारे, अच्छी से रहें. अब हम सिंपल आइडिया देखेंगे इसका. द विगरस ग्रोथ ऑफ एनी नेशन डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ. ओके, किसी भी कौम की जो ताकत है वो वेल्थ पे डिपेंड नहीं करती, पैसों पे. बट मेजोरिटी द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, हाई मॉरल कैरेक्टर एंड वर्च्यू ऑफ ग्रेट पीपल. A nation's strength is a fruit of which labor is seed. ठीक है, आपके moral height होने चाहिए, अखलाक होना चाहिए, character होना चाहिए. ठीक है, पैसों की बात नहीं है हो रही यहाँ पे. Nation कैसे मजबूत होगी, उसमें से आपको high moral quality को follow करना होगा, labor को, hard work को follow करना होगा. Theme क्या है? The heights by great men reach या height आप उसके ऊपर निर्भर है. The height reached at Cape were not attained by sudden light, but they, while their companions left, were toiling upward in the night. Henry Longfellow. People do not lack strength, they lack will. Will power होना चाहिए. आप पहाड़ों को भी cross कर सकते हैं. अब यहाँ पे हमें इसके बारे में, character के बारे में पढ़ना है. character क्या है? आप सबको पता है, लेकिन have a look here. Character means moral qualities which constitute personal or national individuality. A nation's strength rests upon the character of its people. ये बात सही है. Men of character achieve greatness for their nation through sacrifices and on seeds. Honest deeds. This is honest deeds. Okay. They build their nation on foundation of a lasting virtue. So character is a parameter which can be used to measure the depth of a man's personality. When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. Dear students, I hope आपको आइडिया समझ आ रही है. नेशन स्ट्रेंथ पोएम की जब ओरिजिनल लाइन पढ़ेंगे अपनी बुक से तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि इसमें राइटर नेशन के कौन से कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा है, कि एक कौन कैसे मजबूत हो, उसका करेक्टर कैसा होना चाहिए, उसको कितनी हार्ड वर्किंग होनी चाहिए. ठीक है, ये सारी बातें आप उसमें पढ़ सकते हैं. अच्छा, अब हम idioms पढ़ेंगे. एक वन idiom आपके बुक में दिया गया है, वो क्या है? With heart and soul. इसकी meaning क्या है? All one's energies and interests. इसका sentence क्या है? That teacher is very popular because she works with heart and soul. We should love our country with heart and soul. Means पूरे दिलचस्पी के साथ. अब हम आएंगे हमारे होम टास्क के ऊपर, जिसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा. देखिए, ये शॉर्ट ऐसे टॉपिक दो मैंने आपको दिए, चॉइस आपकी है. फर्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन अवर सोसाइटी, और दूसरा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस. अब ये शॉर्ट ऐसे लिखना है आप लोगों को. वर्ड लिमिट क्या होगी? 250 से आप 400 के दरमियान लिख सकते हैं, 500 वर्ड भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, या 300 भी हो सकते हैं. ऐसे शॉर्ट ऐसे जब आप लिख के मुझे सेंड करेंगे तो मैं चेक करूंगा उसमें. मैं दो चीजें चेक करूंगा, आपका फॉर्मेट चेक करूंगा ऐसे का, और आपकी लैंग्वेज और आपके आइडियाज चेक करूंगा. उसमें कोई भी गलती होगी आपकी तो वो फिर मैं आपको फीडबैक में बताऊंगा, रिटर्न में भी बताऊंगा, नोट्स भी दूंगा कि शॉर्ट ऐसे लिखा कैसे जाता है. लेकिन उसके लिए आप सबसे पहले फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में पढ़ेंगे थ्रू इंटरनेट. आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी के ऊपर वो पढ़ेंगे, और पढ़ के फिर आप ऐसे लिखना. एक घंटा देने टाइम, एक घंटे का शॉर्ट ऐसे होता है, दो घंटे का होता है वैसे तो, लेकिन ये जो एक्सरसाइज एक घंटे की है. टाइम आप देखना ईमानदारी से, देखिए आपका पोटेंशियल भी शो हो जाएगा कि एक घंटे में आप कितना लिख सकते हैं, और फिर आप मुझे उस मेरी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं. ठीक है, आई विश यू अ वेरी गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.